तो अब देख रहे हो भाई, चार चार का गैप है, कम से कम नहीं तो 150 पतंग होंगी ये कम से कम। सबके सब पतंग फिर से उतर गया, सब नीचे जा रहे हैं, बारिश तेज हो रही है। बता भाई कहाँ का आसमान खाली करना है। और सामने देखो क्या क्या मौसम हो रहा है। मेरे यहाँ तक बिरयानी है और पकौड़े हैं और कोल्ड ड्रिंक है, माहौल बन रहा है भाई तगड़ा। बांधना तुम्हें किस लिए बिठा रखा, बांधने के लिए तो बिठा रखा उन पतंग। शकल तो दिखा दे करने के बाद कैसी होती है। तो गाइस सुबह को 5 या 6 बजे उठने का प्लान था और पूरी प्लानिंग थी सुबह सुबह उठ के पतंग उड़ाएंगे। अभी बज रहे मेरे ख्याल से 7-8 बज रहे और धूप पूरी निकल गई है और अभी मैं नहाया भी नहीं उस। अब यहाँ से थोड़ी बहुत पतंग उड़ाने के बाद हवा चल रही है बहुत ही मस्त, देख रहे हो सारे के सारे लोग छत पे, थोड़ी बहुत पतंग उड़ा के फिर नीचे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर से ऊपर आएंगे एंड फिर से पतंग उड़ाएंगे। पतंग उड़ा रहे इनकी कटे जा रही है, बार बार कटे जा रही है और सेम इनका भी यही सीन है और अपनी पतंग वो उड़ रही, एक पतंग ये कट के जा रही। पतंगे सप्लाई करी जा रही है नीचे से ऊपर और एक ये हमारे छोटे भाई यहाँ उड़ा रहे हैं पतंग। कौन सी पतंग है अपनी? वोरी भाई, वोरी वोरी तड़ी भाई। शकल तो दिखा दे कटने के बाद कैसी होती है। अच्छा ये बड़ा पंगा काटते दूसरे लोग खुशी है, लोग हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या है। बता भाई कहाँ का आसमान खाली करना है भाई, सामने का पतंग हो जाती है भाई, सामने करना है क्योंकि कंपटीशन जीत रहे हो तुम्हारे भाई ने पतंगबाजी में। वाह भाई वाह। जैसे ही ऊपर से पतंग आती है सबकी नजरें ऊपर की तरफ हो जाती है। अब जैसे वो आ रही है सबकी नजरें ऊपर है भाई साहब, ये देखो सबकी नजरें ऊपर। ओ भाई पतंग इसकी भी अपनी पे ध्यान दे ले पतंग। स्टॉक देख रहे हो भाई अपना, 2 गोटे इधर है और पतंग, और अभी 2 गोटे नीचे रखे हैं जो कि शाम में काम आने वाले हैं इसको खत्म करने के बाद। ये गई भाई, ये गई। तो देख रहे हो भाई, चार चार का गैप है, कम से कम नहीं तो 150 पतंग होंगी ये कम से कम, देख रहे हो ये बड़ी बड़ी पतंग भी है। मैं आपको इनका साइज दिखाता हूँ एक बार, देखो कितनी बड़ी बड़ी पतंग है। और इधर दिखाओ भाई, तो देख सकते हो गाइस कितना सारा स्टॉक पड़ा है और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पतंग है। देख रहे कितनी बड़ी पतंग है, मेरे यहाँ तक पूरी ऊपर तक आ रही है इतनी बड़ी बड़ी पतंग। और नीचे दिखाओ भाई, ये देखो अपने मंजे के चरखे 2 येरे और ऊपर भी दिखाए थे, ऊपर भी जो भी आपको दिखाए थे, इतना स्टॉक है अपने पास। कहाँ से ले जाएंगे काना की? एकदम 10वीं पतंग कटवा रहा है, यूं कह रहा हत्ते से ले जाएंगे। लगा रखी है मैंने तो, चालू है। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it.
losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow भाई। बहुत देर पतंग उड़ाने के बाद अब लगी है भूख थोड़ी सी, अब लाए हैं कुछ यहाँ खाने पीने का सौदा, बिरयानी है और पकोड़े हैं और कोल्ड ड्रिंक है, अब खाएंगे पियेंगे एंड उसके बाद मौज लेंगे फिर उड़ाएंगे पतंग। मौसम हो रहा बहुत ही ज्यादा मस्त पतंग उड़ाने वाला और हवा भी एकदम चल रही है बेस्ट। तो भाई 11 बज गया और 11 बजे इस वक्त छत पर कोई भी नहीं दिख रहा है, देख रहे हो कोई भी नहीं है अब छत पे, सब खाने पीने या धूप की वजह से नीचे चले गए हैं और बहुत कम लोग अभी पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ तो भाई अब बज रहे हैं शाम के 5 बजने वाले हैं और मौसम देखो मेरे पीछे और आगे कितना शानदार हो रहा है, सबकी नजर है पतंगों के ऊपर कट कट के जाती हुई, हवा चल रही है बहुत तेज, कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाय हाय पतंग देख रहे हो भाई कितनी बड़ी जा रही है, कसम से बहुत बड़ी है, साइज बहुत छोटा बड़ा है, इसके सामने सारी पतंगें छोटी सी दिख रही हैं और सामने देखो क्या क्या मौसम हो रहा है, देख रहे हो पतंगें ऐसे चमक रही हैं अब की बार, तो आसमान देखो यार अभी 5:30 हुए और फिर से बारिश आ गई है, बारिश ना हर बार हर साल 15 अगस्त का माहौल खराब ही कर देती है, देख रहे हो सबके सब पतंगे फिर से उतर गए और सब नीचे जा रहे हैं, बारिश तेज हो रही है जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम यहाँ घुसने वाले हैं अब थोड़ी देर में। हाँ भाई बोल, और कितने पेचे काट दिए अब तक, 5 पेचे काट दिए बस, 5 ही पतंग देख रहे हो कितनी उड़ रही हैं, कितनी कहा है अपनी, कहा है माहौल बन रहा भाई तगड़ा, क्या बात है मौज आ रही है, हर छत पे तिरंगा मिलेगा भाई साहब, हर छत पे ये देख इधर देखो, बांध दो यार दूसरी पतंग में, बांध दो जब तक मैं वो कटवा रहा हूँ, ए बांध दो तुम्हें किस लिए बिठा रखा, बांधने के लिए तो बिठा रखा उन पतंग को। तो ये इस 15 अगस्त की आखिरी पतंग है और नज़ारा देखो कितना मस्त हो रहा है एंड अब अंधेरा होने को आ रहा है, अब लाइट एंड वगैरह चालू होने वाली है, भाई लालटेन उड़नी शुरू हो गई है, यहाँ पर भी तैयारी हो रही है और देख रहे हो आसमान में कितनी सारी लालटेन, अभी तो जैसे जैसे और अंधेरा होगा और लालटेन यहाँ पर दिखेंगी। तो भाई जब लालटेन को देख के और पैराशूट को देख के हम भी 3-3 पैराशूट यहाँ पे लेकर आ गए, महंगे मिले पर कोई अब उड़ाएंगे आपको भी दिखाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस पैकेट में होता क्या है फाइनली, तो इसके अंदर ये पैराशूट निकलता है एंड वैसे तो आपको पता ही होगा पर जिनको नहीं पता उनके लिए, और ये
टिक्की सी निकलती है, इसको इसमें हमें बांधना होता है, इसको पैराशूट को प्यार से खोलने के बाद जिससे फटे ना, यहाँ पर इस तरीके से बांधना होता है, इसको यहाँ छेद में डाल के एंड इसको यहाँ से इस तरीके से दबा देते हैं ताकि ये कहीं जाए ना। बस इतना सही काम होता है, अब कुछ नहीं है, इसके अंदर हमें आग लगानी है एंड उड़ा देना है। तो भाई इसको उड़ाने का टाइम आ गया, देखते हैं कैसा उड़ता है। प्रेशर तो पूरा बना दिया, अब मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। तो ये हमारा सेकंड पैराशूट है, इसको उड़ाते हैं एंड छोड़ते हैं। ओए तो भाई दूसरा पैराशूट भी चला गया हमारा जैसे जैसे। वो देख आग लगेगी इसमें तो। आग लगी भाई आग। तूने होप चरी नहीं कर। चारों तरफ देख रहे हो भाई, लाइटिंग ही लाइटिंग एंड फायर क्रैकर। तो सब भाइयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ।